हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बाहर तो गई नहीं, थोड़ी ठंड सी है इसलिए मैंने तो स्वेटर भी पहन लिया और मैं अपने काम कर रही हूँ। बाद में जाऊँगी दूध लेने के लिए, या तो दूध वगैरह लेने भी निकली। मैं कहा थोड़ी हल्की सुरसुरी सी ठंड है, क्या पता ऐसे धूप छाँव का ऐसा मौसम हो रहा है, तबीयत वगैरह ख़राब नहीं हो जाए। कि अब मैं किचन में जाके नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। आज पराठे बना रही हूँ, सिंपल पराठे। नाश्ते के लिए सिंपल पराठे बना रही हूँ। आटा लगा के रख दिया मैंने ब्रेकफास्ट के अंदर, नाश्ता वगैरह करके दवा वगैरह खा करके फिर देखती हूँ डेली के रूटीन के काम करने ही। अभी मेरा बिल्ली का बच्चा सुबह आया था, दूध पी करके निकल गया। वो तो इधर से आता उधर निकल लेते, उधर से आते इधर निकल लेते, उनके पास काम ही क्या है। दिया था क्या? हाँ, दूध दोनों को देना। माँ भी आई थी, बच्चा भी आया था, दोनों पी करके निकल गए। बचपन में तो बड़े प्यार से रहते थे, अब एक दूसरे को देख के घुर्राने लग जाते। गुर्राते? सही में गुर्र करते। वो पलंग के नीचे घुस गया, अपनी माँ को ही गुर्रा रहा है। पता नहीं कुत्तों में तो फिर भी प्यार होता है। बिल्ली जब ही कहते हैं शायद कि बिल्ली दोगली होती है। गजब बेइज्जती है। वो अपने बच्चे को अपने साथ ही नहीं रखती जब से बच्चा बड़ा हो गया है, वरना पहले तो इतने प्यार से रखती थी उसको। अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन, ऐसा लगता दुश्मन बन गए हैं दोनों के दोनों। देखिए पराठे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के अंदर, आप भी आइए और खाइए। आज तो सिंपल ही बना रही हूँ, वरना कभी आलू के बना लेती होंगी, कभी गोभी के, कभी देखिए पहले बिल्ली के बच्चे के लिए बना रही हूँ कुट्टू के लिए पराठा, क्योंकि जब उसको पता है नाश्ते का जब हमारा टाइम होता है कहीं पे भी रहता है आ जाता है फुदक करके। कोई उसको मक्खी बता देती है क्या कि नाश्ते का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम होता है तो आ जाता है। वैसे बाहर खेलता रहेगा पर नाश्ते वगैरह का टाइम होता है। जैसा हम हमारे खुद खाते हैं वैसे ही इनके लिए भी बनाते ही होंगे, सेम वैसे ही। पता है नाश्ते का टाइम, नाश्ते का टाइम उसको पता आएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। फिर उसके लिए उसका टावल अलग से ही है, टावल बिछाना पड़ता है उसके लिए। खाना भी देते तो इज्जत से देना पड़ता है, वरना मुँह सुझा लेते। इंसानों के बीच में रह के चाहे कोई सा भी जानवर हो, बिल्ली हो कुत्ता, इंसानों जैसी आदतें हो जाती कि खाने को भी दो तो इज्जत से दो खाने के लिए। हमको जैसे कुर्सी पे बैठ के या पलंग पे बैठ के जैसे अगर हम खाते हैं तो उनको भी ऐसे ही दो। अब पहले सबसे पहले उसका बनाऊंगी महाराज का, बाद में हमारे लिए बनाऊंगी, ताकि जब तक वो आएगा तब तक ठंडा भी हो जाएगा। वरना उतावलापन इतना रहता है उसको जब आता है तो कि अभी दो अभी दो, इसलिए सबसे पहले उसका बनाती हूँ मैं। कल मुझे फैमिली फंक्शन में जाना है घर के अंदर ही, तो मैं कहा थोड़े से कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लूँ, देखूँगी एक साथ तीन चार सूट प्रेस करके रख रही हूँ, जो सही लगेगा उसी को पहनूँगी। कॉटन वाले तो कर लिए मैंने, इस वाले को थोड़ा सा सिका इस पर हल्की हल्की मार लेती हूँ प्रेस, कि जाने आने के अंदर भी पूरी, क्योंकि अलमारी में रखते हैं प्रेस कर रखेंगे फिर भी एक के ऊपर एक पड़ जाते हैं कपड़े, तो वो हो जाते गुचड़ मुचड़ तो हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो प्रेस निगड़ ही जाती है। जाने से पहले मैं कहा थोड़े से कर लूँ, अभी घर का काम हुआ ही नहीं प्रेस करके। मैं सोचूँ पहले ही प्रेस कर लूँ ताकि फिर बिखेरा जो भी होगा घर का बाद में करती रहूँगी, एक साथ ही कर लूँगी सारे काम। ये देखिए अभी तक आया ही नहीं हो मेरा कुट्टू बिल्ली का बच्चा, पराठा पड़ा है। पराठे को छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिया, उसके हिस्से की मलाई रख दीगी, फिर आएगा जब खाएगा। आज पता नहीं हो सकता कहीं थोड़ा सा दूर निकल गया होगा घूमने के लिए। आज तो बालों में कलर भी लगाया मैंने, जब तक कलर थोड़ा सा सूखेगा 10-15 मिनट तब तक झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। पानी चढ़ाई भी कपड़े धो लिए, कपड़े धोके डाली थी।
लगवा ली, सर धो लिया मैंने, कलर लगाया था बालों के अंदर, सर धो लिया है नहा भी ली। अब इसको टावल को टांग दूँ और थोड़ा सा सूख जाए, बाल वाल बना करके मार्केट निकलूँगी, सब्जी वगैरह लेकर के आऊँगी, सब्जी वगैरह लेकर के आऊँगी। सोच रही हूँ दिन में क्या बनाऊँ, कल के फंक्शन में जाने की तैयारी भी करनी है, मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, बाज़ार जाकर आ जाऊँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।